फ्रेंड्स, आज हम वाटर कलर में फ्लावर पेंटिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने अपने फ्लावर जो मैंने बहुत लाइटली ड्रॉ किया हुआ है उसमें पहले हम पानी अप्लाई करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे। एक मीडियम साइज का ब्रश लेना है, राउंड राउंड शेप का, और वाटर अप्लाई करेंगे। और अब हम कलर फिल कर रहे हैं। स्मूथली आप कलर फिल कीजिए। ये हम सदाबहार का फूल बना रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। इसको अच्छे से क्या पेंट कर दीजिए स्मूथली पिंक कलर से। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। थोड़ा सा डार्क कलर सेंटर में करेंगे क्योंकि सेंटर में थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर का फ्लावर होता है। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर और चाहिए फ्लावर में, मैं थोड़ा सा कलर और अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से हमें हमारे कलर ये पूरा हो गया है। सेंटर में थोड़ा सा मैं और डार्क कलर कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे और डार्क चाहिए। फाइन डिटेल ब्रश के साथ थोड़ा सा डार्क कलर सेंटर में और थोड़ा सा साइड में अप्लाई करना है। ये पेंटिंग करना बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उसको ड्राई होने के बाद, फ्लावर को पहले ड्राई करना है, फिर उसके बाद उसके आउटसाइड में हम पानी वाटर अप्लाई करेंगे। वाटर में इसलिए अप्लाई करती हूँ, इससे बहुत स्मूथ और अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाता है।
अब हम कलर फिल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर, थोड़ा मिक्स कलर लिया है। ग्रीन कलर में डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन, उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स किया है मैंने। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छे से अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमको इसी तरह से चारों तरफ कलर फिल करना है। ये एमरल्ड ग्रीन कलर मैंने ऊपर में लगाया है। अब मैं इसको थोड़ा पानी लेकर थोड़ा स्प्रेड कर दे रही हूँ पेपर में। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए चारों तरफ। इसके लिए राउंड ब्रश लेना है, राउंड सॉफ्ट ब्रश चाहिए हमें। अब मैं इसके सेंटर में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर लगा रही हूँ। अच्छे से जहाँ जहाँ भी नीड लगता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा और कलर अप्लाई करेंगे हम। जहाँ मैं लगता है थोड़ा सा डार्क, मुझे यहाँ पे थोड़ा डार्कर टोन चाहिए, तो मैं थोड़ा डार्क कलर और अप्लाई कर रही हूँ। जब कलर सूख जाएगा तब हम इसके सेंटर में थोड़ा डार्क कलर लगाएंगे, क्योंकि सेंटर में थोड़ा और डार्क होता है इसलिए। उसके बाद मैंने इस पर वाइट कलर लगा दिया था। अब मैं वाइट कलर के बीच में एक छोटा सा डॉट लगा रही हूँ। कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।